पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने सिरसागंज प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने अराव, तिवरिया, जायमई, गढ़पुरा, परियारमऊ, मछरेला, नगला धनपाल, नगला ब्राह्मण, नगला खंगर, नगला पैज व नगला सदा सहित कई गाँव के लोगों से मिले। जनसंपर्क अभियान के क्रम में लोगों ने बसपा प्रत्याशी पंकज मिश्रा का कई जगहों पर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पंकज मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र में मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। मैं हर साल सामूहिक विवाह करवाता हूं, कोरोना काल के चलते परमिशन न होने के कारण इस साल सामूहिक विवाह नहीं हो पाया। पिछली बार मैंने एक कन्या की विदाई हेलीकॉप्टर से करवाई। इस बार अगर जनता मुझे विधायक चुनती है तो 5 कन्याओं की विदा हेलीकॉप्टर से कराऊंगा, चाहे भारत में किसी भी प्रदेश में विदा हो। बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय हमारी नेता है, उनके जो शासन रहा है 4 बार का, उस शासन में बहन बेटियों के सम्मान, इज्जत और गरीबों को घर मकान दिए गए, बहन जी ने बनवा के फ्लैट दिए। इसलिए हम सारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग और बहन जी सर्व समाज को लेकर चलती हैं। चाहे बहन जी की सरकार में जातवाद से वो नहीं होता है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है इस बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को सपोर्ट करेंगे और श्री पंकज मिश्रा जी को अपना समर्थन दे के यहाँ से विधायक चुनेंगे। कोई विकास नहीं हुआ, गाय छोड़कर जारी करो और क्या है। ये BSP इसलिए समर्थन दे रहे हैं का नाम बसपा के शासन काल में बहुत अच्छा काम हुआ है, मंडी समझ से लेकर के और तुम्हारे होमगार्ड से लेकर के और मरगट तक, शमशान घाट तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था और बहन जी के शासन काल में स्वस्थ शासन दिया था, स्वस्थ प्रशासन दिया था। उनके जमाने में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी और क्या नाम है, शिक्षा के विभागन बहुत अच्छा था। देखिए शिक्षा के विभागन वाले 7 मेडिकल कॉलेज बनवाए, 6 मंडल बनवाए, 23 जिले बनवाए, अत्यधुन विकास किया, 572 हाईस्कूल बनवाए, 5549 प्राइमरी स्कूल बनवाए और यही सारा विकास बहन जी के लिए समर्पित था। इसलिए जनता खुश होकर के बहन जी को के शासनकाल को याद करती है और यहाँ से हमारा प्रत्याशी पंकज मिश्रा जी है, वो ईमानदार, स्वच्छ, कंधे से कंधा लगाने वाले ईमानदार व्यक्ति है, उन्हें भारी बहुमत से हम लोग जिताने जा रहे हैं। इस बार हम समर्थन बहुजन समाज पार्टी देकर के समूचा प्रदेश ही सरकार बनाने जा रहा, समर्थन के सरकार बनाने जा रहे हैं। सुशासन के लिए, शांति के लिए, आप जैसी बेटियों के अस्मिता सम्मान के लिए और प्रदेश को चौमुखी विकास देने जा रही है। सर्वजन हिता, सर्वजन सुखा के नारे साथ शासन चलेगा। समूचा उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने जा रही है, इसलिए पंकज मिश्रा को भाई बहुमत से यहाँ से जुड़ा के भेजेंगे। 2000 में हेलीकॉप्टर से विदा एक कन्या की कराई, क्योंकि 101 कन्या का विवाह समारोह था, 101 की हो नहीं सकती, उनमें से पर्ची के द्वारा एक कन्या निकली जो मेरी बहन, उसका नाम शायद ऋषि तक कन्फर्म नहीं हुआ है। बघेल जाति से थी वो, कंथरी में भी हेलीपैड बन गया था जो वहां पर जो उनका उतरना था, सिरसागंज में हेलीपैड बन गया था, लेकिन हमारे क्षेत्र के नेताओं ने षड्यंत्र के तहत परमिशन होने के बावजूद भी परमिशन नहीं दी अधिकारियों ने, इसलिए वो विदा नहीं हो पाई। अगर आपका भाई विधायक होता उस समय तो प्रशासन को परमिशन होने के बाद भी परमिशन रोक नहीं पाते, परमिशन देनी पड़ती। अब की बार विधायक बनता हूं तो एक नहीं 5 कन्याओं का, अपनी बहन का, उन्हीं के गांव से। पहले तो सिरसागंज में प्रोग्राम था, अब जिस बहन की लॉटरी खुलेगी पर्ची के द्वारा फिर निकालूंगा, जिस बहन की होगी 5 कन्याओं का हेलीकॉप्टर से जिस गांव की बिटिया होगी उस गांव से लेके जिस गांव में उसकी ससुराल होगी, गांव में या शहर में कहीं पे भी हो पूरे हिन्दुस्तान में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।